सरपंच और मुखिया अगर हमें किसानों की वंशावली बना के देते हैं, उसको मान लेते हैं, तो ये हमारा एक कदम है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और हमारी सरकार की सपना है कि हमारी जो योजना है वो गरीब किसान तक पहुँचे, और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बैठक के बाद जो है हम लोग इसको परमंडलीय वाइज जो है हम इसकी समीक्षा करेंगे। इसमें कई डेट निर्धारित हुए हैं, जैसे 9 तारीख को, 8 तारीख को किशनगंज में है, किशनगंज में पूर्णिया, अररिया, कटिहार कई डिस्ट्रिक्ट के लोगों के अधिकारियों को, किसानों को बुलाए हैं। और मेरा मेन मकसद है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो हम खुद जो है सरकार जो है किसानों के बीच जाएगी और जा करके हम उसको प्रेरित करेंगे और हम उसको फायदा पहुँचाएंगे। किसान चौपाल में आप भी शामिल होंगे जी? किसान चौपाल में आप भी अब शामिल होंगे किसानों के? किसान चौपाल तो पुराना हो गया ना, अब गांव चौपाल होगा, वो पुराना हो गया। सरकार के जो मंत्री हैं अब गांव में जाके चौपाल लगाएंगे। अधिकारी किसान चौपाल लगाते थे तो मंत्री गांव का चौपाल लगाएंगे। इसी ओर जो है हम लोग बढ़े हैं कि किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे और उनकी जो समस्या आ रही है हम उसे अवगत होकर के, और अगर हमारे पास नियम संगत उनका कंप्लेन होगा तो हम उसमें संशोधन करेंगे। और मुखिया अगर हमें किसानों की वंशावली बना के देते हैं, हम उसको मान लेते हैं, तो ये हमारा एक कदम है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और हमारी सरकार की सपना है कि हमारी जो योजना है वो गरीब किसान तक पहुँचे, और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बैठक के बाद जो है हम लोग इसको परमंडलीय वाइज जो है हम इसकी समीक्षा करेंगे। इसमें कई डेट निर्धारित हुए हैं, जैसे 9 तारीख को, 8 तारीख को किशनगंज में है, किशनगंज में पूर्णिया, अररिया, कटिहार कई डिस्ट्रिक्ट के लोगों के अधिकारियों को, किसानों को बुलाए हैं। और मेरा मेन मकसद है कि हमारी जो योजनाएँ हैं वो हम खुद जो है सरकार जो है किसानों के बीच जाएगी और जा करके हम उसको प्रेरित करेंगे और हम उसको फायदा पहुँचाएंगे। किसान चौपाल में आप भी शामिल होंगे जी? किसान चौपाल में आप भी अब शामिल होंगे किसानों के? किसान चौपाल तो पुराना हो गया ना, अब गांव चौपाल होगा, वो पुराना हो गया। सरकार के जो मंत्री हैं अब गांव में जाके चौपाल लगाएंगे। अधिकारी किसान चौपाल लगाते थे तो मंत्री गाँव का चौपाल लगाएंगे। इसी ओर जो है हम लोग बढ़े हैं कि किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे और उनकी जो समस्या आ रही है हम उसे अवगत होकर के, और अगर हमारे पास नियम संगत उनका कंप्लेन होगा तो हम उसमें संशोधन करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।